दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? दोस्तों, दुर्योधन के अधर्म के कारण द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लगभग सारे कौरव मारे गए थे। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन का वध करके महाभारत युद्ध को समाप्त कर दिया था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ था? पांडवों ने अपने शत्रु दुर्योधन की पत्नी के साथ क्या किया था? अगर आप भी भानुमति की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के मूल ग्रंथ में आपको दुर्योधन का उल्लेख लगभग हर जगह देखने सुनने को मिल जाएगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसी महाभारत में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का उल्लेख केवल दो स्थानों पर हुआ है, स्त्री पर्व और शांति पर्व। लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में आपको भानुमति से जुड़ी कई कहानियां सुनने को मिल जाएगी। महाभारत में द्रौपदी के बाद अगर कोई सबसे सुंदर स्त्री थी वह भानुमति ही थी। भानुमति का जन्म कलिंग के राजा चित्रांगद के घर में हुआ था। बचपन से ही भानुमति बेहद सुंदर, सुशील और चतुर थी। भानुमति जब जवान हुई तो कई महारथी उससे विवाह करके उसको अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे, लेकिन भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था। भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात को कभी अपने पिता के सामने नहीं रखा। इसलिए जब भानुमति विवाह करने के योग्य हुई तो उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। भानुमति को उम्मीद थी कि अर्जुन भी स्वयंवर में आएंगे और वो उन्हें अपना पति चुन लेंगी, लेकिन दोस्तों, अर्जुन किसी कारणवश स्वयंवर में नहीं आ पाए। मन में अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति अब अपना मन मारकर हाथ में वरमाला लेकर दरबार में पहुंची। कहा जाता है कि उस समय दरबार में बैठा दुर्योधन भानुमति को देखते ही उन पर मोहित हो गया। भानुमति हाथ में वरमाला लिए प्रत्येक राजा के पास जाकर उन्हें देखती और फिर आगे बढ़ जाती। इसी क्रम में भानुमति दुर्योधन के पास भी गई। भानुमति ने दुर्योधन को देखा, लेकिन बिना उसके गले में वरमाला डाले आगे बढ़ गई। दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए उसने स्वयं ही बलपूर्वक वरमाला अपने गले में डाल ली। दुर्योधन की इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने घोर विरोध किया। सभी राजाओं ने तलवार निकाली और वह युद्ध के लिए दुर्योधन को ललकारने लगे। तब दुर्योधन का मित्र कर्ण दुर्योधन की ढाल बनकर खड़ा हो गया और उसने एक एक करके सारे राजाओं को परास्त कर दिया। कहा जाता है कि वहां पर 100 से अधिक राजा थे जिन्हें कर्ण ने परास्त किया था। अंत में मगध नरेश जरासंध के साथ कर्ण का युद्ध हुआ। हर शस्त्र से दोनों में लड़ाई हुई। कहा जाता है जरासंध और कर्ण में 21 दिन तक युद्ध हुआ था। अंत में दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। इसके बाद कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया। भानुमति की एक सहेली थी जिसका नाम सुप्रिया था। दुर्योधन जब भानुमति को अपने साथ हस्तिनापुर लाता है तब सुप्रिया भी भानुमति के साथ चली आती है। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन भानुमति से और कर्ण सुप्रिया के साथ एक ही विवाह मंडप में शादी कर लेते हैं। दुर्योधन ने भानुमति का स्वयंवर के बीच से हरण कर लिया था, जिस वजह से राजा चित्रांगद का बहुत अपमान हुआ था। भानुमति अपने पिता के अपमान के कारण बहुत दुखी थी, लेकिन भानुमति के पास दुर्योधन को अपना पति स्वीकारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों, भानुमति सुंदर और बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थी। सती पर्व के अनुसार भानुमति खेल खेल में अपने पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी और कई बार भानुमति अपने पति दुर्योधन को कुश्ती खेल में हरा भी देती थी। कुछ समय के बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह दोनों की परवरिश हुई। जब ये दोनों बड़े हो गए तब सांसारिक नियमानुसार दुर्योधन ने भी इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों, अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी पक्की मित्रता को रिश्ते में बदलना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया। लक्ष्मणा और वृषसेन भी मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे,
लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लक्ष्मणा वरमाला लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी, लेकिन जब वो सांप की उपेक्षा करके आगे बढ़ी तब सांप को ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ दुर्योधन की बेटी के साथ ठीक वैसा हो रहा था जैसा कभी उसने भानुमति के साथ किया था। दोस्तों, सांप ने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में पहन ली। सांप की इस हरकत से दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में सांप को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। सांप के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लगी तब वह गुस्से में पागल हो गए और उन्होंने दुर्योधन से उसका बदला लेने का दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए बलराम उसके पास आने लगे, लेकिन यहां दुर्योधन बलराम से युद्ध चाहता था, इसलिए उसने अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। दोस्तों, भानुमति ने मामला अपने हाथों में लेते हुए बलराम से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर इस समस्या का समाधान निकालते हुए भानुमति ने सांब और लक्ष्मणा का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया तब बलराम ने अपनी बेटी वत्सला का विवाह लक्ष्मण के साथ कराने की इच्छा प्रकट की। दोस्तों, दुर्योधन इस विवाह के लिए तैयार हो गया और अपने पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी। अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने की कसम खा ली। उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। जब दुर्योधन को इस बात की खबर लगी तब पांडवों के खिलाफ उसका क्रोध और भी बढ़ गया। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। दोस्तों, तब इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। बेटे की मौत के बाद भानुमति का पति दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। इस तरह इस युद्ध में भानुमति ने अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा और फिर भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि इतिहास में उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था जिसका आभास दोनों पक्षों को था और अब ये दोनों पक्ष दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि यदि दो पक्षों के बीच विवाह हो जाए तो दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। भानुमति ने दुश्मनी को खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह करने का फैसला किया। दोस्तों, अर्जुन विवाह के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और भानुमति विवाह के बंधन में बंध गए। इस विवाह के साथ ही कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई और भानुमति ने अपने फैसले से दो कुंभों को जोड़कर एक कर दिया। यहीं से कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।